मुजफ्फरनगर के कचहरी गेट पर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने अपने टीम के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें शत शत नमन करते हुए प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कचहरी गेट पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखकर देश के हर वर्ग के उत्थान का काम किया है, जिससे हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। दबे कुचले वर्ग को अपना जीवन स्तर सुधारने का मौका मिला। प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि देश में संविधान के नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, ताकि सभी संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें। वरिष्ठ समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर देश व समाज हित में किए गए उनके कार्य को याद किया। इस अवसर पर दो बालिका पहलवानों गोरी ठाकुर और तनु देशवाल को कुश्ती कॉस्ट्यूम व ड्राई फ्रूट का वितरण किया गया। देखिए माननीय, आप देखते हैं कि हमारे एक महान देश के जो योद्धा हैं, हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने अपने जीवन काल में सभी क्षेत्र के सभी लोगों को, सभी समुदाय को लेकर के, उनको एक साथ लेकर के चलने का जो एक विशेष प्रावधान चलाया था, वो कहीं ना कहीं उनकी एक मुहिम के ऊपर जाकर ख़त्म हुआ, जो कि उन्होंने अपने आप को एक पूरे विश्व के अंदर इतनी पढ़ाई करने के बाद, 32 डिग्री हासिल करने के बाद भी हमारे भीम साहब अम्बेडकर साहब जो हैं, उन्होंने जितने भी दूषित और कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक साथ करने का जो कार्य किया है, बड़ा ही उत्साह कार्य किया है। आज उनकी पुण्यतिथि पर सभी समाज सेवी टीम की ओर से माल्यार्पण करके उनको सशस्त्र नमन करने के बाद याद किया गया है। और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज हमारे युवा खिलाड़ी, जो कि अभी कुछ दिन पूर्व कुश्ती की गोरखपुर से अपने मेडल जीत कर लेकर आए थे, उसी श्रृंखला में ये बच्चे आगे भविष्य में हैदराबाद नेशनल खेलने जाएंगे, और हमारी समाज सेवी टीम की ओर से इनको ड्रेस दे करके और इनका हौसला वर्धन करने के बाद इस मुकाम पे अगर आज ये पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप के आशीर्वाद से पहुँचे हैं। और हमारे देश में अगर इस तरह के जितने सांस्कृतिक, जितने भी हमारे पुराने योद्धा हैं, या अपने समाज के कल्याण की इसकी बात करते हैं, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। अभी 26-27 तारीख में गोरखपुर में स्टेट चैंपियनशिप हुई थी, ये दोनों बच्चे वहाँ पर मेडल जीत कर आए हैं, और हैदराबाद में जो जनवरी के पहले सप्ताह में हैदराबाद में नेशनल होगा, इन बच्चों का चयन उस कंपटीशन के लिए हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं मनीष चौधरी जी का, जो हमेशा ही खिलाड़ियों के लिए आगे आते रहते हैं। इन बच्चों को भी आशीर्वाद दिया, उन्होंने बच्चों को किट दी और आगे भी कहा कि जो भी सहायता की जरूरत होगी हम खिलाड़ियों को देंगे। मैं मनीष जी का धन्यवाद करता हूँ, यहाँ की मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि खिलाड़ियों के लिए हमेशा ये लोग आगे आते रहते हैं, खिलाड़ियों का नाम ऊँचा करते रहते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।